अल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सो यू आर ऑल फाइन। हम चैप्टर नंबर 5 की रीडिंग हमारा कर रहे थे। हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 5, एम मोर ऑन क्यू बेसिक। आज हमने पेज नंबर 46 से रीडिंग स्टार्ट करनी है। हमारा टॉपिक है एंड एंड स्टेटमेंट। अब हमने ये देखना है कि जब हम क्यू बेसिक का प्रोग्राम राइट कर रहे हैं तो उसमें एंड स्टेटमेंट का क्या काम है, उसमें एंड स्टेटमेंट भी यूज़ होनी है तो वो किस लिए यूज़ होती है। अब द एंड स्टेटमेंट इज जनरली इंक्लूडेड एट द एंड ऑफ अ प्रोग्राम। इट टेल द इंटरप्रेटर डेट द एंड ऑफ द प्रोग्राम हैज़ बीन रीच्ड, सो इट शुड स्टॉप इंटरप्रेटिंग द स्टेटमेंट। अब एंड प्रोग्राम क्या कर किस लिए यूज़ होता है कि ये बेसिकली हम इसको यूज़ करते हैं प्रोग्राम के लास्ट पे। जब हम पूरा प्रोग्राम टाइप कर लेते हैं तो लास्ट जो हमारा वर्ड होता है वो होता है एंड के। अब हमारा प्रोग्राम एंड हो गया है तो ये इंटरप्रेटर को बताता है कि प्रोग्राम जो है वो एंड हो गया है, जो हमारी इंटरप्रेटिंग हो रही है हमारी स्टेटमेंट्स उसको रोक दी। अब इसकी एग्जाम्पल नंबर 1 हम देखते हैं किस तरह हम एंड स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमने क्या प्रोग्राम लिखा हुआ है, प्रिंट फर्स्ट लाइन, के हम फर्स्ट लाइन जो है प्रिंट करते हैं, प्रिंट प्रोग्राम कंप्लीट। नीचे हमारा लिखा हुआ है हमने एंड यूज़ किया हुआ है कि एंड का मतलब है कि अब बस ये हमारा प्रोग्राम यहाँ तक है, ये ख़त्म हो गया है हमारा प्रोग्राम, लास्ट हो गई है, एंड हो गई है इसकी। अब इसके आगे हमारी जो स्टेटमेंट है वो मज़ीद इंटरप्रेट ना करें। इसकी एग्जाम्पल नंबर 2 है इनपुट एंटर अ नंबर n1। हमारा प्रोग्राम हमने क्या इसका टाइप करना है, प्रोग्राम टू एक्सेप्ट टू नंबर्स एंड मल्टीप्लाई दैम यूजिंग एंड स्टेटमेंट प्रिंटिंग दी रिजल्ट। हमने दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है एंड स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए और रिजल्ट जो है प्रिंट करवाना है। तो इनपुट एंटर अ नंबर 1 n1, हमने एक नंबर एंटर किया एंड एंटर अ नंबर n2, दो नंबर हमने इनपुट किए हैं। लेट रिजल्ट इज इक्वल टू n1 मल्टीप्लाई n2, हमने रिजल्ट क्या प्रिंट करवाना है उन दोनों नंबर्स का जो रिजल्ट है मल्टीप्लाई करने के बाद, और लास्ट पे हमने यूज़ करनी है एंड स्टेटमेंट। प्रिंट n1 मल्टीप्लाई n2 इज इक्वल टू रिजल्ट। अब हमने उसको ये दिया है कि हम जब हम n1 और n2 का जो रिजल्ट उसको दोनों उनकी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके उसका रिजल्ट जो है वो हमें शो करवाते हैं हमारी आउटपुट पे स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाते हैं, और लास्ट में हमने यूज़ कर दिया है एंड स्टेटमेंट यूज़ कर दिया है। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 3 भी है, यूजिंग एंड स्टेटमेंट बिफोर प्रिंटिंग द रिजल्ट। अब उन्होंने क्या कहा है कि एंड स्टेटमेंट यूज़ करनी है रिजल्ट के रिजल्ट प्रिंट होने से पहले। इनपुट एंटर अ नंबर n1, इनपुट एंटर अ नंबर n2, लेट रिजल्ट इज इक्वल टू n1 मल्टीप्लाई n2। अब उन्होंने कहा है कि रिजल्ट को प्रिंट करवाने से पहले हमने एंड स्टेटमेंट यूज़ करनी है, तो इसका हम जो रिजल्ट प्रिंट हम बाद में करवाएंगे पहले हम एंड स्टेटमेंट लगा देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4, हमने एरिया कैलकुलेट करना है सर्कल का, उसकी रेडियस, ठीक है ना। इनपुट एंटर द रेडियस, लेट एरिया इज इक्वल टू 3.14 मल्टीप्लाई रेडियस मल्टीप्लाई रेडियस, प्रिंट एरिया ऑफ सर्कल एंड एरिया, ठीक है। फिर एंड स्टेटमेंट। अब ये हमारा प्रोग्राम एक तरह का हमने क्या इसको करवाया है कि हमने सर्कल का जो है एरिया ऑफ सर्कल हमने प्रिंट करवाना है, और लास्ट पे हमने उसकी एंड स्टेटमेंट यूज़ कर दी कि यहाँ पे हमारा प्रोग्राम एंड हो गया है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक इफ़ देन एल्स, इफ़ देन स्टेटमेंट। इफ़ देन स्टेटमेंट किस लिए यूज़ होती है, ये एक कंडीशन के लिए यूज़ होती है। दिस स्टेटमेंट टेस्ट अ पर्टिकुलर कंडीशन एंड रिटर्न आंसर एज ट्रू और फॉल्स। इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू द कंप्यूटर विल फॉलो द कमांड गिवन आफ्टर देन, इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स द कंप्यूटर विल ऑल टुगेदर इग्नोर द कमांड आफ्टर देन एंड मूव टू द नेक्स्ट लाइन। अब इफ़ देन स्टेटमेंट क्या होती है कि हमने कोई कंडीशन देनी है कंप्यूटर को अपने प्रोग्राम में, हमने टाइप करना है कि अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो वो हमें रिजल्ट प्रिंट कर देगा, और अगर फॉल होगी तो वो वहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं करेगा, इग्नोर करके नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ जाएगा। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं, एग्जांपल नंबर 1 है इसकी। सिंटैक्स क्या है कंडीशन इफ़ देन का, इफ़ कंडीशन, यहाँ पे पहले हमने इफ़ यूज़ करने हैं, प्रोग्राम में भी हमने कंडीशन लगानी है, जो सी भी कंडीशन हम देना चाहते हैं हम वो कंडीशन यूज़ करेंगे, देन फिर देन का हम वर्ड यूज़ करेंगे, देन हम उसको कमांड देंगे। अब इसका प्रोग्राम किस तरह राइट करना है, हमने यहाँ से देखें थर्ड लाइन से इनपुट एंटर योर एज, हमने इसको इनपुट क्या दिया है कि हमारी जो एज है मतलब अपनी एज एंटर करें, इफ़ एज लेस देन 18। अच्छा, एज तो हमने एंटर करने के लिए दे दिया है, अब हम वहाँ पर एज कुछ भी एंटर कर सकते हैं, नंबर हमने खुद एंटर करनी है, 12, 13, 14, जो भी हम एज टाइप करेंगे, इफ़ एज लेस देन 18, अगर एज जो हमने दी है वो 18 से कम है, देन प्रिंट नॉट एलिजिबल टू वोट। तो देन क्या प्रिंट कर दे हमें कि ये हम वोट देने के लिए एलिजिबल नहीं है, ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट कर दे, और ये एंड स्टेटमेंट, यहाँ पे हमारा प्रोग्राम लास्ट हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2,
टॉपिक है हमारा इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट। पहले अकेला था इफ़ देन स्टेटमेंट, अब है इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट। इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट क्या होती है कि हमने एग्जांपल हमारी एग्जांपल देखते हैं। इनपुट एंटर योर एज, हमने एज एंटर करनी है। इफ़ एज लेस देन 18, देन अगर एज 18 से कम है देन क्या प्रिंट कर दें, नॉट एलिजिबल टू वोट, के वोट देने के लिए एलिजिबल नहीं है। एल्स फिर हमने यूज़ करना है एल्स के, अगर ऐसा ना हो, एल्स अगर एज जो है वो 18 से कम नहीं है, 18 है या 18 से ज़्यादा है, तो देन क्या प्रिंट कर दें, एलिजिबल टू वोट, देन ये प्रिंट कर दें। लास्ट में हम प्रोग्राम में क्या लिखेंगे, एंड इफ एंड एंड, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर लूप। फॉर लूप क्या होता है, फॉर एक इस एग्जांपल में उन्होंने क्या बताया हुआ है, सी एल एस फोर वन इज इक्वल टू 1 to 5 प्रिंट हेलो वर्ल्ड। नेक्स्ट वन, फॉर लूप होती है कि जो इटरेशन उसकी हो रही होती है, मतलब जो हम उसको कंडीशन देते हैं या नंबर एंटर करते हैं, तो जहाँ तक हम उसकी एक लिमिट ऐड कर देते हैं, कि जैसे यहाँ पे एग्जांपल में हमने कहा है 1 to 5, 1 से लेके 5 तक हमें क्या प्रिंट कर दें, हेलो वर्ड हमारा प्रिंट होना चाहिए। तो ये जब तक 5 टाइम हेलो वर्ड प्रिंट नहीं हो जाएगा, ये आइट्रेशन होती रहेगी। इन दिस एग्जाम्पल 1 is a variable विच विल स्टोर अ वैल्यू, सॉरी आई इज़ अ वेरिएबल विच विल स्टोर अ वैल्यू। आई हमारे पास एक वेरिएबल है जिसने वैल्यू स्टोर की है हमने। द इनिशियल वैल्यू इज़ 1, जो स्टार्टिंग वैल्यू है हमारी वो 1 है, एंड द फाइनल वैल्यू इज़ 5, और फाइनल वैल्यू क्या है, 5। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1 से, एंड फाइनल वैल्यू क्या है हमारी, 5। टू स्टार्ट विद वेरिएबल आई विल होल्ड द वैल्यू ऑफ 1। अब वेरिएबल आई को हमने क्या वैल्यू दी है, 1, वहाँ से वो स्टार्ट करेगा। द प्रोग्राम प्रिंट हेलो वर्ल्ड एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट, वो प्रिंट करेगा हेलो वर्ल्ड और फिर नेक्स्ट कंडीशन जो हमारी रन होगी वो नेक्स्ट पे जाएगा। नेक्स्ट आई स्टेटमेंट एंड चेक इफ द वेरिएबल आई इज़ 5, वो बार बार ऐसे करते रहेगा जब तक हमारा जो वेरिएबल आई जो है वो 5 तक नहीं पहुंचेगा। जब तक 5 टाइम हमारा हेलो वर्ड कंप्लीट नहीं हो जाएगा वो बार बार आइट्रेशन होती रहेगी। इफ़ इट इज़ नॉट 5 देन द प्रोग्राम विल कंटिन्यू एंड जंप बैक टू द फोर कमांड, इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ आई बाय 1 इट 2 अंटिल द वेरिएबल आई इज़ 5, प्रिंटिंग द टेक्स्ट हेलो वर्ड 5 टाइम, देन वो हमें आउटपुट में 5 टाइम जो हमारा है हेलो वर्ड उसको प्रिंट कर देगा। ये आइट्रेशन होती है, ये कंडीशन होती है एक तरह की, हम लिमिट लगा देते हैं कि हमें यहाँ से यहाँ तक जो है हमारे नंबर में आइट्रेशन होती रहे, या ये कौन जौन सा वर्ड नेम हमने इतने टाइम पे प्रिंट करवाना है, इतनी बार हमारा प्रिंट होकर आना चाहिए। इसी की एग्जांपल नंबर 2 है, फॉर आई इज इक्वल टू 1 to 5 प्रिंट आई नेक्स्ट आई। अब ये हमारा हमने प्रोग्राम राइट किया, द अबव प्रोग्राम प्रिंट द नंबर फ्रॉम 1 to 5, द स्टेप कमांड कैन बी यूज्ड विद द फोर नेक्स्ट लूप टू काउंटर द इंक्रीमेंट बाय द डिजायर्ड नंबर। अब जब तक हम उस डिज़ायर हम अपने जो हमारी 5 तक हम पहुंच नहीं चाहेंगे अपने डिज़ायर नंबर तक, तब तक क्या होता रहेगा, नेक्स्ट लूप होती रहेगी, आइट्रेशन होती रहेगी उसमें 1 से 5 तक, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक डू लूप। डू लूप क्या होती है, इफ़ इट इज़ अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट वेयर द प्रोग्राम डज नॉट हैव टू लूप अ सर्टन नंबर ऑफ टाइम लाइक इन 4 नेक्स्ट लूप इट कैन लूप इनडेफिनेटली। जो डू लूप होती है वो एक ब्लॉक होती है स्टेटमेंट की, इसमें प्रोग्राम वैसे फोर लूप की तरह नहीं होते, मतलब जैसे फोर लूप और नेक्स्ट लूप में होता है कि ये हमने कंडीशन लगा दी है यहाँ तक हमारे जो नंबर है उसमें आइट्रेशन होती है। जो डू लूप होती है वो एक इट कैन लूप इनडेफिनेटली। द डू लूप हैज़ 2 फॉर्म इन क्यू बेसिक, डू व्हाइल लूप एंड डू अंटिल लूप। डू लूप की 2 फॉर्म होती हैं क्यू बेसिक में, डू व्हाइल लूप एंड डू अंटिल लूप। अब हम इसका पढ़ते हैं कि डू व्हाइल लूप क्या है। द पेज नंबर है 50, द लूप एग्जीक्यूट अंटिल द कंडीशन बिकम फॉल्स। ये लूप जो है तब तक एग्जीक्यूट होती है जब तक कंडीशन फॉल नहीं होती। एंड डू अंटिल लूप क्या होती है, द लूप एग्जीक्यूट अंटिल द कंडीशन बिकम ट्रू। जब तक कंडीशन अपनी ट्रू नहीं होगी तब तक की क्या है, एग्जीक्यूट होती रहेगी लूप। इसका सिंटैक्स हम देखते हैं डू व्हाइल लूप का। अब लिखने का सिंटैक्स क्या है, सबसे पहले हमने वर्ड लिखना है डू व्हाइल का, देन हमने कंडीशन देनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमने स्टेटमेंट लिखनी है, और नीचे जो है डू अंटिल लूप का सिंटैक्स क्या है उसका भी सेम है, हमने बस कीवर्ड चेंज करना है। वहाँ पर हमने डू अंटिल लिख देना है, कंडीशन नीचे स्टेटमेंट। अब हम देखते हैं डू व्हाइल लूप
थ्रो दिस लूप आ कंडीशन इज एवेलुएटेड. इस लूप के जरिए क्या होगा, कंडीशन जो हमारी एवेलुएट होती रहेगी. इफ़ दी कंडीशन इज फॉल इट जंप टू दी फर्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर दी लूप. अगर कंडीशन हमारी फॉल हो जाएगी तो फिर वो जंप करके फर्स्ट स्टेटमेंट पे चला जाएगा लूप के बाद वाली. अदरवाइज इट एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट, नहीं तो वो जो है वो एग्जीक्यूट कर देगा स्टेटमेंट को इनसाइड दी लूप, जो लूप के अंदर स्टेटमेंट होगी हमारी, एंड देन गोज बैक टू स्टेप वन और फिर वो स्टेप वन पर चला जाएगा. अब लूप डू अंटिल लूप में क्या होता है, इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स, अगर तो हमारी कंडीशन फॉल हो जाती है, क्यू बेसिक एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट एंड कंटिन्यू टू डू सो अंटिल द कंडीशन इज़ ट्रू. वो उसी स्टेटमेंट को दोबारा एग्जीक्यूट करेगा, कंटिन्यू करता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू नहीं हो जाएगी. इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू, जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी, क्यू बेसिक जंप पास द लूप एंड एग्जीक्यूट द रिमाइंडर ऑफ द प्रोग्राम. वो जंप करेगा पास लूप पर और फिर जो रिमाइंडर बाकी प्रोग्राम रह जाएगा उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा. हर द लूप, अब हम देखते हैं डू वाइल लूप में क्या होता है. हर द लूप इज़ एग्जीक्यूटेड, जब लूप जो है वो एग्जीक्यूटेड कर देगी वैल्यू को, वैल्यू ऑफ द काउंट इज़ लेस देन और इक्वल टू 10. ठीक है, हर द लूप इज़ एग्जीक्यूटेड वाइल द वैल्यू ऑफ द काउंट इज़ लेस देन और इक्वल टू 10. कंडीशन उन्होंने क्या दी है कि जो एग्जीक्यूट करे वाइल लूप तब तक जब तक उसकी वैल्यू काउंट करे 10 या 10 से कम. ठीक है ना, इज़ लेस देन और इक्वल टू 10, या तो 10 हो या 10 से कम हो. वंस द कंडीशन इज़ मेट द लूप इज़ टर्मिनेटेड, जब उस कंडीशन तक वो पहुँच जाएगी तब लूप क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, एंड हो जाएगी. द अबव प्रोग्राम प्रिंट द नंबर फ्रॉम 1 to 10. दिस इज़ आल्सो नो एज अ ट्रू लूप. इट वर्क टिल द कंडीशन गिवन डज नॉट बिकम फॉल्स. हेयर द लूप इज़ एग्जीक्यूटेड. अप टू अंटिल लूप में क्या होता है, हेयर द लूप इज़ एग्जीक्यूटेड, जब लूप एग्जीक्यूटेड हो जाती है वाइल द वैल्यू ऑफ द काउंट इज़ नॉट मोर देन 10. वंस द कंडीशन इज़ मेट द लूप इज़ टर्मिनेटेड. द अबव प्रोग्राम प्रिंट द नंबर फ्रॉम 1 to 9. अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया, ऑफ द काउंट इज़ नॉट मोर देन 10, मतलब 10 से ज़्यादा हमने काउंट नहीं करनी है. वंस द कंडीशन इज़ मेट, जब कंडीशन पूरी हो जाएगी, द लूप इज़ टर्मिनेटेड, लूप जो है क्या है वो टर्मिनेट हो जाएगी. द अबव प्रोग्राम प्रिंट द नंबर फ्रॉम 1 to 9, जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो 1 से 9 तक नंबर प्रिंट कर देगा, क्योंकि यहाँ पे हमने कंडीशन क्या दी है, लेस देन 10 हो, 10 से ज़्यादा ना हो. दिस इज़ आल्सो एज अ फॉल लूप, इसको फॉल्स लूप कहते हैं. इट वर्क टिल द कंडीशन गिवन डज नॉट बिकम फॉल्स. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट आपने क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 करने हैं. क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द सिंटैक्स ऑफ फोर एंड नेक्स्ट लूप. फोर एंड नेक्स्ट लूप का सिंटैक्स टाइप करना है. पहले हमने फोर का कीवर्ड चूज़ करना है, फॉर, फिर हमने वेरिएबल देना है कोई भी. फॉर जैसे हमने एग्जांपल में आई देखा था, आई हमारा क्या था, वेरिएबल था, इज़ इक्वल टू इनिशियल वैल्यू. इनिशियल वैल्यू हमारी क्या थी एग्जाम्पल में, 1. स्टार्टिंग वैल्यू हमने यहाँ पर टाइप करनी है, ब्रैकेट में टाइप करनी है. ठीक है, 2, अगर हम 2 लिखेंगे फाइनल वैल्यू, और फिर हमने उसको फाइनल वैल्यू देनी है अपनी, जहाँ तक हम जैसे हमारी एग्जांपल में 5 हमारी फाइनल वैल्यू थी, हम चाहते थे कि यहाँ तक हमारी आइट्रेशन हो. ठीक है, स्टेटमेंट्स टू बी एग्जीक्यूटेड, और फिर हमने स्टेटमेंट दे देनी है एग्जीक्यूट करने के लिए, जौन सी स्टेटमेंट हमने एग्जीक्यूट करवानी है. क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन अ ट्रू लूप एंड फॉल्स लूप. अब ट्रू लूप कौन सी है, डू व्हाइल लूप, एंड फॉल्स लूप कौन सी है, डू अंटिल लूप. इन दोनों में डिफरेंस हमने बताना है. डू वाइल लूप, द लूप एग्जीक्यूट अंटिल द कंडीशन बिकम फॉल्स. इसका क्या है, ये तब तक एग्जीक्यूट होती है जब तक कंडीशन फॉल नहीं हो जाती. इसका सिंटैक्स क्या है, पहले हमने डू वाइल का कीवर्ड यूज़ करना है, कंडीशन देनी है, देन हमने स्टेटमेंट टाइप करनी है. और डू अंटिल लूप क्या होती है, द लूप एग्जीक्यूट अंटिल द कंडीशन बिकम ट्रू. ये तब तक एग्जीक्यूट होती है जब तक कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती. द सिंटैक्स इज़ डू अंटिल कंडीशन एंड स्टेटमेंट. इसकी जो इनका सिंटैक्स है वो सेम है डू वाइल का और डू अंटिल का, बस इसमें डिफरेंस क्या है, वर्ड का डिफरेंस है. ठीक है, डू वाइल में हमने डू वाइल टाइप करना है और डू अंटिल में हमने डू अंटिल टाइप करना है. आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 आपने लर्न करना है, प्लस राइट अपनी होम नोटबुक पे आपने राइट करना है क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.